बढ़ते हैं, आगे रुक करते हैं अगली खबर का। बिहार टॉपर्स घोटाले की आरोपी छात्रा रूबी राय ने आज पुलिस की कड़ी चौकसी के बीच एजुकेशन बोर्ड के सामने अपनी काबिलियत सामने साबित करने के लिए एग्जाम दिया। तस्वीरें आपको दिखाएंगे, शायद शिक्षा जगत के इतिहास की ये सबसे अलग तस्वीरें हैं, जब फर्जी तरीके से टॉपर बनी एक छात्रा फिर से बोर्ड के सामने एग्जाम दे रही है। रूबी के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी है। पटना सिविल कोर्ट ने रूबी समेत इंटर के रिजल्ट में टॉपर आए चार छात्रों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया, यानी एग्जाम खत्म होते ही रूबी की गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन रूबी राय अगर आज बोर्ड के सामने पेश नहीं होती तो उसका रिजल्ट जरूर रद्द कर दिया जाता। इससे पहले रूबी राय दो मौकों पर टेस्ट देने नहीं पहुंची थी, ये तीसरा मौका रूबी राय को दिया गया, तो अब वो एग्जामिनेशन कमेटी के सामने पहुंची है, एग्जाम दे रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ पुलिस का भी वहां पर कड़ा पहरा है और ऐसे आसार हैं कि इसके बाद गिरफ्तारी भी हो सकती है। बिहार के एग्जाम को टॉप किया था रूबी राय ने, लेकिन उसके बाद जब आज तक की रिपोर्ट पर यह खुलासा हुआ तो उसमें साफ हो गया कि ये टॉपर दरअसल किस तरह से टॉपर बने। इंटर टॉपर्स घोटाले मामले में रूबी राय का टेस्ट चल रहा है और पुलिस भी यहाँ पर पहुंची हुई है। अब देख सकते हैं टेस्ट दे रही है रूबी राय, जो कि इंटर में आर्ट्स की टॉपर है, और इनको लेकर ही सारा मामला सामने आया था। पुलिस यहाँ पर पहुंच चुकी है, नॉन अवेलेबल वारंट जो निगरानी का विशेष कोर्ट है, वहाँ से विशेष कोर्ट से नॉन अवेलेबल वारंट जारी हुआ है चार टॉपरों के खिलाफ, जिसमें से एक रूबी राय भी है, और इनकी गिरफ्तारी के लिए यहाँ पर पुलिस जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है वहाँ पहुँच चुकी है